हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर, मैं मिश्रा, आप देख रहे हैं हम डिस्को एंटरटेनमेंट। आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक दफ़ा फिर से, सबसे पहले तो यार आप सबका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। आप सब ने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी ज़्यादा मतलब दिल से खुशी होती है जब इतना प्यार देने वाले लोग हमें, मतलब लोग नहीं बोलना, हमें अपनों ने एक फैमिली की तरह आपने हमें समझा और इतना प्यार दिया। तो ऐसे ही प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आज की जो वीडियो लेकर आए हैं ना, इसमें है रावण जी वर्सेस हनुमान जी के दरमियान, मतलब जो भी आपको पता है कि हुआ था, तो वो देखेंगे कि भाई क्या है इस वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं आज वीडियो, चलिए। एक बार रावण हनुमान जी से बोला युद्ध में, हमने सुना हनुमान जी तुम बहुत बलवान हो। हनुमान जी बोले हैं तो? रावण बोलो चलो अपनी एक एक मुक्का की पूजा। हनुमान जी बोले मतलब? रावण बोलो एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारना, जिसको ज्यादा दर्द हो वो हार गया, जिसको ना हो वो जीत गया। हनुमान जी बोले रावण ऐसे ही रहने दो, मत लड़ो। रावण बोलो तुम हमें जानते नहीं, हम रावण हैं, रावण चलत दसानन डोलत अपनी, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो चलने पे पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु श्री राम के भैया लक्ष्मण जी के बोलने पे पृथ्वी तो तुम बलवान हो कि हमारे सरकार बलवान है? रावण बोले हम बलवान है। हनुमान जी ने समझाया मत लड़ो, लेकिन नहीं माना रावण। रावण जब नहीं माना, हनुमान जी बोले ठीक है एक एक मुक्का की, बोले एक एक मुक्का की शर्त लग गई चुनौती वाली। हनुमान जी बोले रावण पहले तुम मारो मुक्का हमें। रावण बोलो नहीं हम रावण है, पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले रावण कहीं हमने मुक्का दे दो तुम्हारे और कहीं तुम बिल्कुल टबक गए मर गए तो खुजली बनी रही, इसलिए काम करो पहले तुम मुक्का मारो। ठीक है, रावण ने मुक्का बनाया और जोर से हनुमान जी की छाती पे मारा। रावण को तो ये ज्ञान था कि हम बहुत बलवान हैं, हम छाती पे मुक्का मारेंगे हनुमान जी गिर जाएंगे, हनुमान जी गिरना तो दूर की बात है, हनुमान जी थोड़ा पीछे भय और फिर ठीक ठाक हो। रावण बोले क्यों बजरंग बली? हनुमान जी बोले हाँ। रावण बोला तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोला अच्छा एक बात बताओ, आंखों में तुम्हें कालापन कालापन अंधेरा जैसा छा रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा तुम्हारा सिर घूम रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोलो इतना तेज मुक्का तुम सह गए? हनुमान जी बोले अब हम आओ सहो, अभी मजा आएगा ना, हम तो सह गए, तुमने तो ट्रायल करो, हमारी पिक्चर देखो। रावण बोलो मतलब? हनुमान जी बोले हो जाओ तैयार, शर्त लगी थी एक एक मुक्का की, तुमने मार लिया, अब हमारी बारी है। रावण भी बोलो हम भी कम नहीं है, छाती फुला के बुला लो लगो मुक्का। हनुमान जी ने 360 डिग्री घुमाओ हाथ, 360 डिग्री ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने देखा, हे हनुमान जी जिस हिसाब से तुम 360 डिग्री बनाए हो, कहीं अगर छोड़ दे तो राम कथा यही पूरी हो। ब्रह्मा जी प्रकट भय बीचों बीच, ब्रह्मा जी बोले रुकियो रुकियो वीर बजरंग बली रुकियो। हनुमान जी बोले कहां रुकियो, हटो एक तरफ, दो जन की लड़ाई में तीसरा नहीं आऊ तो नहीं तो डांट टूट जाए। अरे ब्रह्मा जी बोले नहीं, ब्रह्मा जी बोले रुको। हनुमान जी बोले क्यों रुको? ब्रह्मा जी बोले जिस हिसाब से आप मुक्का बनाए हैं 360 डिग्री, अगर इस हिसाब से आपने मशक दो दे दो तो रावण की अंतिम क्रिया के लिए हड्डियां नहीं बचने। हनुमान जी बोले तो उसमें हमें क्या लेना देना, वो तो शर्त है। रावण ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी तुम क्यों बीच में आए? ब्रह्मा जी बोले हम तुम्हें बचा भी आया। रावण बोलो मतलब? ब्रह्मा जी बोले भाई साहब को जो मुक्का बनो है ना 360 डिग्री को खा जाए और तुम्हें लौट के बचने नहीं आए। रावण ने मन में विचार किया कि जब हमारे मामले में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे तो मामला बहुत ऊंचा है। रावण धीरे से ब्रह्मा जी से बोलो इनसे कहो कि तनक मुक्का की साइज घटा दे, थोड़ा कम कर दे, थोड़ा सा कम कर दे। तो ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी शर्त पूरी करो लेकिन 360 डिग्री से कुछ डिग्री माइनस करो। हनुमान जी बोले कितनी? बोले कुछ तो करो। हनुमान जी जो 360 बनाए थे सो हनुमान जी ने 60 डिग्री कम कर दी, 300 कर दे। ठीक है ब्रह्मा जी बोले अभी भी ठीक नहीं।
हनुमान जी बोले जो 300 डिग्री ये बनाए हैं इतने में भी तुम्हें बचना नहीं है, मर जाना। ब्रह्मा जी बोले थोड़ा और कम करो। हनुमान जी ने 300 डिग्री से 100 डिग्री और कम करी, 200 डिग्री बची। हनुमान जी बोले अब ठीक है। रावण बोले अब तो ठीक है। ब्रह्मा जी बोले इतने में भी कोमा में चला जाना है, कोमा में पैरालिसिस हो जाएगा, ब्लड फट जाएगा, ब्रेन का ब्रेन हेमरेज होगा। रावण बोले इतने में भी? ब्रह्मा जी बोले ज्यादा टेंशन हो तो ट्राई करवा दे। रावण बोलो हाँ थोड़ा और कम करवा। हनुमान जी थोड़ा और कम करो। हनुमान जी बोले नहीं अब बहुत है, नहीं नहीं थोड़ा कम करो। ब्रह्मा जी की बात हनुमान जी ने मानी, 100 डिग्री और कम करो। अब तो ठीक है, अब तो केवल 100 डिग्री बचा। ब्रह्मा जी बोले अभी भी दिक्कत। रावण बोले अब क्या दिक्कत है? बोले 20-25 दिन तो मैं होश नहीं रहेगा इतने में। रावण बोले इतने में? बोले ज्यादा तुम्हें टेंशन हो तो हम थकवा दे। नहीं रावण बोले थोड़ा कम। हनुमान जी ने 40 डिग्री और कम करो। अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अब ठीक है लगो। रावण के लिए मुक्का 60 डिग्री का घुमा करके हनुमान जी ने जहां छाती पे मस्का, इतना बलशाली रावण पृथ्वी पे धड़ाम से गिर गया। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। यार बड़ी कमाल की वीडियो थी सच्ची में। रावण जी, रावण और हनुमान जी के दरमियान जो भी मतलब वो बोले ना कि दोनों ने फैसला किया कि एक मुक्का मैं तुम्हें मारता हूँ, एक मुक्का तुम मुझे मारो। हाँ। तो देखते हैं किस में ज्यादा पावर है, कौन गिरता है। तो रावण ने बोला कि नहीं पहले तुम मुझे मार लो, मैं तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, आपको सबको पता है कि उसने गलती ये की कि उन्होंने सीता जी का मतलब हरण किया और फिर वो उसकी बर्बादी का बाइस बने और भी लड़कियों के वो अगवा करते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा शिव जी को मानने वाला सबसे बड़ा भक्त जिसको बोलते हैं ना वो था, लेकिन रावण के पास शक्ति तो थी बहुत ही ज़्यादा। तो रावण ने बोला कि हनुमान जी को कि तुम मुझे पहले मार लो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, मुझे तो कुछ होगा नहीं, मैं कहीं तुम्हें मार के तो तुम्हारा कुछ हो मतलब ऐसा ना हो कि तुम्हारा कुछ रहे ना। रावण को बड़ा गुरूर था खुद पे। तो फिर जब रावण ने मारा हनुमान जी को मारा तो फिर उसको तो उनको तो कुछ ना हुआ। लेकिन जब रावण की बारी आई तो ब्रह्मा जी आ गए, उन्होंने बोला कि इतने मतलब जोरदार जो तुम मारने लगे हो ना मुक्का, ये इसको थोड़ा मतलब इसकी स्पीड रफ्तार इसको मतलब भार कम करो, फिर रावण का कुछ रहना ही नहीं है। फिर जो रामायण कम्प्लीट हो वो किस तरह से होगी? तो हनुमान जी ने तो मतलब उसकी जो होता है वो कम की शक्ति और बाद में रावण को मारा, रावण जाकर वहां पर गिरा मतलब जमीन के ऊपर और उसका तो अच्छा बुरा हाल। रावण को अगर हनुमान जी चाहते तो वो खत्म कर सकते थे, लेकिन आपको पता है कि सीता जी ने उनको बोला था कि मेरे जो हस्बैंड है ना वही मुझे यहाँ से छुड़ाने आएंगे तो मैं फिर ही जाऊंगी, वरना लोग बोलेंगे कि आपको पता है फिर क्या क्या बातें होनी थी। इस वजह से फिर मतलब हनुमान जी सिर्फ पैगाम लेके गए थे और राम जी ने अपनी वाइफ को बचाया था वहाँ पे जाके। लेकिन रावण और हनुमान जी के दरमियान जो मतलब बातचीत हुई है ना सुन के मजा आया। हनुमान जी मैं आपको पता है उनके ना पूंछ में रावण ने आग लगा दी थी तो उन्होंने अपनी लंका पूरी जला दी थी। आपको पता ही होगा हाँ सारी लंका को जला दिया, इतनी प्यारी उसने लंका उस टाइम पे बनाई थी ना जिसको आज श्रीलंका हम बोलते हैं, वो जला दी थी। तो उसका तो बड़ा गुरूर पानी में मिल गया था, इतना वो मतलब मगरूर इंसान था। लेकिन यार मजा आया ये हमें देख, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपके प्यार मोहब्बत की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें आपको बोलेंगे कि हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करें और क्या करना, शेयर कर देना प्लीज। तो फिर आपको इसी तरह मजीद वीडियोस में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, चलते अल्लाह हाफिज़।